प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 16 जुलाई को जालौन के कथौरी गांव से पूरे देश को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। अपने शुभारंभ के पहले हफ्ते में ही एक्सप्रेसवे की सड़क धस गई है। सड़क पर करीब 2 फीट गहरा गड्ढा हो गया है, जिससे बुधवार को एक कार फंसकर क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के लिए जेसीबी मशीन भी पहुंच चुकी है। इस घटना से हड़कंप मचने के बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर भी सवाल उठा रहे हैं। दरअसल उद्घाटन के 5 दिन बाद जालौन तहसील क्षेत्र के छिरिया सलेमपुर के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क धस गई। पिछले 5 दिनों में इस एक्सप्रेसवे पर 4 मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं बुधवार रात एक कार और एक बाइक भी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसका वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इसके बाद यूपीडा के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जालौन डीएम ने यूपीडा के अधिकारी को जानकारी देते हुए जांच के आदेश भी दे दिए हैं। देर रात एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन करोड़ों रुपए भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। इससे ये साफ जाहिर होता है कि एक्सप्रेसवे में मानक विहीन और घटिया क्वालिटी के सामान का प्रयोग किया गया है। बताया गया था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मात्र 28 महीनों में बनकर तैयार हुआ है। यूपी सरकार के मुताबिक काम करने वाली संस्था ने समय से पहले काम पूरा किया और सरकार के करीब 1132 करोड़ रुपए भी बचाए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी खुद इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब ये साहब कौन सा चश्मा पहनकर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, ये तो यही जाने, क्योंकि ये तस्वीरें तो इनके काम पर भी सवाल उठा रही हैं और सड़क निर्माण करने वाली कंपनी के काम पर भी। और साहब हाल यही रहा तो सवाल सरकार पर भी उठेंगे, क्योंकि सरकार इस एक्सप्रेसवे को लेकर चुनाव से पहले बुंदेलखंड में खूब ढोल पीटा था और वोट बटोरे थे। वो कहते हैं ना, जल्दबाजी का काम हमेशा खराब ही होता है, क्योंकि जल्दबाजी में काम किया नहीं जाता बल्कि निपटाया जाता है। तो क्या इस एक्सप्रेसवे का काम भी जल्दबाजी में निपटाया गया है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।